नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। कार नदी में गिरी, पिता बेटी की मौत। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर ओरछा टीकमगढ़ मार्ग पर सेवारी के समीप जामनी नदी पर बने पुल से एक कार के गिर जाने से इसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई, वही एक व्यक्ति लापता है। पृथ्वी पर थाने के प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मृतकों की पहचान संदीप साहू एवं उसकी बेटी तनु के रूप में की गई है, जबकि उसका बेटा कृष्ण लापता है, उसकी तलाश जारी है। तो वही दूसरी ओर ड्रग्स की आपूर्ति कर रहा जवान धराया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ड्रग्स की आपूर्ति करने के आरोप में बुधवार को सेना के 27 साल के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि सेना के जवान की पहचान संदीप कुमार राठी के रूप में की गई है। वह हरियाणा के गुड़गांव जिले के शेखपुर माजरी गांव का रहने वाला है। राठी को मंगलवार को एक अन्य व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान हेमंत के रूप में की गई है। तो वही तीसरी ओर विवाहिता की प्रताड़ना। यवतमाल मायके से बीस हजार रुपए लाने के लिए विवाहिता की शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ पुलिस थाने ने मामला दर्ज किया है। इसमें शब्बीर खां, कासिम खां पठान व अन्य 2 लोगों का समावेश है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर वड़गांव जंगल पुलिस थाने ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।